नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग लक्ष्मीकांत की एक और वीडियो में आपका स्वागत है चैप्टर नंबर 57 है ये सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में बात करेंगे तो कंपोजिशन ऑफ सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन टेन्योर सर्विस कंडीशन पावर्स फंक्शन जितना ज्यादा हो सकेगा उतना ज्यादा चीजों को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे देखिए अगर आप बात करो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन की तो इसको बनाया कब गया इसको बनाया गया 2005 में 2005 में सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन को बनाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और इसको बनाया गया थ्रू एन ऑफिशियल गेजेट नोटिफिकेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट दो हजार पांच राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट दो हजार पांच के थ्रू क्या था कि भाई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में है वो लोग सरकार से मांग सकते हैं या सरकारी डिपार्टमेंट से मांग सकते हैं तो ये था आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इसके अंदर बोला गया कि भाई एक बॉडी बनाई जाएगी जो इस चीज को इंश्योर करेगी कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन सही समय पे सही तरीके से अफोर्डेबल तरीके से पहुंचे तो बॉडी कौन सी बनाई गई ऑफिशियल गेजेट नोटिफिकेशन के थ्रू सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है क्योंकि संविधान के थ्रू नहीं बनाई गई है ठीक है इट इज मेड थ्रू एन ऑफिशियल गेजेट नोटिफिकेशन अंडर आर एक्ट तो ऑब्वियस की बात है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है नहीं ये एक हाई पावर्ड इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि कंप्लेंट्स के अंदर देखती है और अपील्स को डिसाइड करती है देखिए क्या होता है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का काम जब अभी आगे आएगा आपको पता चलेगा कि जब लोगों को किसी एक पर्टिकुलर चीज की इंफॉर्मेशन नहीं मिली उन्होंने इंफॉर्मेशन मांगी और नहीं मिली तो वो क्यों नहीं मिली इन सब चीजों को देखना और इेंट ऑफिशियल के अगेंस्ट सजा को रिकमेंड करना ये बेसिकली काम है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का ये मैंने आपको बहुत जनरलाइज तरीके से बताया है तो ये करता क्या है इट इंटरटेन कंप्लेन एंड अपीलिंग टू ऑफिसाइनेंशियल पब्लिक सेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरेटरीज ध्यान दीजिएगा अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरेटरीज की सरकार और यूनियन गवर्नमेंट के अंदर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पब्लिक सेक्टर सेक्टरटेकिंग ऑफिस आते हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई कंप्लेन आती है कि हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जा रही है हमको सही तरीके से चीजें पता नहीं चल पा रही हैं तो आप सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में जाके कंप्लेन कर सकते हैं ठीक है भाई आगे बात करते हैं

मतलब कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा और उसके अलावा दस इंफॉर्मेशन कमिश्नर मैक्सिमम हो सकते हैं मतलब मैक्सिम दस इन्फॉर्मेशन कमिश्नर नहीं 2019 2019 की की बात की जाए, 2019 के आप तक बात जाए के तक कर लीजिए कमीशन में इंफॉर्मेशन हैं और एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है जब इनिशियली बनाया गया था चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन तो उस समय पे पांच इंफॉर्मेशन कमिश्नर पांच कमिश्नर थे टोटल यानी कि एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और चार इंफॉर्मेशन कमिश्नर तो जब ओरिजिनली बना चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन ठीक है तो चीफ नहीं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सॉरी तो जब ओरिजिनली बना ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन तो एक कमिश्नसी था इंफॉर्मेशन कमिश्नर था और चार और इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे एक्ट के अंदर देखोगे तो आप क्या लिखा है एक्ट के अंदर लिखा है कि एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा और दस से ज्यादा इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं हो सकते अभी के लिए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एक है और छह दूसरे इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं चलिए

और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे जिनको कौन नॉमिनेट करेगा तो प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा तो कमेटी में है भाई प्राइम मिनिस्टर एज चेयरपर्सन लीडर ऑफ द अपोजिशन लोकसभा एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर मिनिस्टर नॉमिनेटेड प्राइम तो ये कमेटी जो रिकमेंडेशन देगी उस रिकमेंडेशन के हिसाब से प्रेसिडेंट मेंबर को नॉमिनेट कर देगा ये ऐसे लोग होने चाहिए जिन्होंने पब्लिक लाइफ में कुछ बहुत बड़ा किया हो उनके पास अच्छी खासी नॉलेज है लॉ में एक्सपीरियंस है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक्सपीरियंस है सोशल सर्विस मैनेजमेंट जर्नलिज्म मास मीडिया एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस कुल मिला के बहुत एक्सेप्शनल लोगों को यहां पे अपॉइंटमेंट दिया जाएगा और जो लोग यहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे याद रखिएगा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होने चाहिए वो मेंबर ऑफ एनी स्टेट लेजिस्लेचर नहीं होने चाहिए ना ही वो किसी यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेचर के मेंबर होने चाहिए अभी के लिए हमारे देश में कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं यहाँ पे लेजिस्लेचर है तो यूनियन टेरिटरी ऑफ डेली यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तीन यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं अभी इंडिया में जहां पे लेजिस्लेचर है ठीक है भाई लेकिन है वो यूनियन टेरिटरी उसके बाद ये जो पर्टिकुलर मेंबर है इसके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इसका कनेक्शन नहीं होना चाहिए किसी प्रोफेशन या बिजनेस में इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए तो कुल मिला बिल्कुल एक क्लीन ऑफिसर एक क्लीन इमेज वाला ऑफिसर ही यहाँ पे अपॉइंट किया जा सकता है अब बात करते हैं टेन्योर एंड सर्विस कंडीशन ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर अब क्या लिखा हुआ जितना टर्म प्रिस्क्राइब Normally, साल के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है छह साल, साल भी कर सकता है सात साल भी कर सकता है इट डिपेंड्स ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इन्फॉर्मेशन कमिश्नर टर्म डिसाइड करेंगे कि कितने समय के लिए इनका अपॉइंटमेंट होगा इनकी अपर एज लिमिट है पैंसठ साल की ठीक है और री रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है अभी रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं बन सकता एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने अगर अपना टेन पूरा कर लिया वो फिर से चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं बन सकता लेकिन एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर बाद में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन सकता है बशर्ते जो टोटल टर्म होगा वो पांच साल होगा तो मान लीजिए एक पर्सन इसको इन्फॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट किया गया और इसने तीन साल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की तरह काम किया फिर सरकार की इसके ऊपर कृपा कृपाई सरकार ने बोला कि चलो हम तुमको चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बना रहे हैं तो तीन साल ये ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन कमिश्नर रह चुका है तो अब ये चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कितने साल के रहेगा केवल दो सालों के लिए तो ओवरऑल कितने का हुआ पांच साल के लिए हुआ अभी के लिए चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर पांच साल के लिए ही अपॉइंट किए जाते हैं

सिविल पार्टनरशिप में थे आप किसी पैसे की पार्टनरशिप में थे आप किसी बिजनेस में थे और आप पूरे बैंक हो गए आपके पास पैसे है नहीं चुकाने के लिए तो आप इंसॉल्वमेंट हो गए मतलब कि आपके ऊपर पैसे के पेंडिंग केसेस चल रहे हैं कभी भी उठा के आपको जेल में बंद किया जा सकता है आपने कोई फ्रॉड कर दिया तो ऐसे केसेस में आपको इंसॉलमेंट बोला जाएगा और अगर आप इंसॉल्वमेंट हैं और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है या इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है आपको आपकी पोस्ट से हटाया जा सकता है फिर भाई दूसरा पॉइंट क्या है इफ ही हैज बीन हीटेड ऑफ एन ऑफेंस विच इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट इन्वॉल्व अ मॉल टर्पिट्यूड मतलब कि अगर आपको किसी एक ऑफेंस का इल्जाम आपके ऊपर लगाया गया है जिसके हिसाब से एक मॉरल टर्पीट्यूड इन्वॉल्व है मतलब आपने ऐसा कोई काम किया है जिससे मॉरली जो आपकी इमेज है वो सोसाइटी में अच्छी नहीं है ठीक है ना तो आपने मान लीजिए किसी पब्लिक एराना में वुमेन के अगेंस्ट कोई डेरोगेटरी स्टेटमेंट दे दिया तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि मॉरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व है तो प्रेसिडेंट को लग रहा है कि भाई इसने तो सही स्टेटमेंट दिया नहीं है तो ये एक ऑफेंस है चीफ election, चीफ इलेक्शन की पोस्ट से हटाओ या इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की पोस्ट से हटाओ अभी मॉरल टर्पिट्यूड क्या है ये डिसाइड करना तो भाई प्रेसिडेंट का ही काम है फिर तीसरा पॉइंट इफ ही इंगेजेस ड्यूरिंग इस टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी पेड इंप्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटीज ऑफ इस ऑफिस तो भैया इंफॉर्मेशन कमिश्नर या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के काम के अलावा अगर आप बाहर से भी पैसा लेके कोई दूसरा काम कर रहे हो किसी दूसरे इंप्लॉयमेंट में इन्वॉल्व हो तो ऐसे में भी आपको आपकी पोस्ट से हटाया जा सकता है अगर आपके अंदर इन्फॉर्मेटिव माइंड है या बॉडी है तो दिमाग से आपका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर सकता है बॉडी को आप में कोई प्रॉब्लम हो गई जिसके चलते आप अपनी ड्यूटीज को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे तो ऐसे केस में भी प्रेसिडेंट आपको आपकी पोस्ट से हटा सकता है और पांचवा पॉइंट इफ ही इज सच फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट एज इज लाइकली टू अफेक्ट प्री जुडिशरी आपके पास ऐसा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ गया है जिसके चलते आपके ऑफिशियल फंक्शन में इफेक्ट आ सकता है तो ऐसे केसेस में भी आपको आपकी पोस्ट हटाया जा सकता है चूंकि आप चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो या फिर आप इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो तो आपके पास अच्छी खासी ताकत है तो ऐसे केसेस में इंफॉर्मेशन को इधर उधर करके आप मैटर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हो तो ऐसे केसेस में अगर आपके पास ऐसी कोई पोस्ट है जो कि आपको आपका इंफॉर्मेशन कमिश्नर या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का काम करने से रोक सकती है तो ऐसे केसेस में भी प्रेसिडेंट आपको आपकी सीट से हटा सकता है ठीक है भाई उसके बाद प्रेसिडेंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को या किसी भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर को ऑन ग्राउंड ऑफ प्रूव मिसबिहेवियर और इन भी हटा सकता है अभी ऑन ग्राउंड ऑफ प्रूफ मिसबिवियर और इन अगर हटाया जाएगा

बट दे कैनॉट बी वेरी टू इज डिस एडवांटेज ड्यूरिंग सर्विस मतलब कि जो भी सैलरी अलाउंसेज और सर्विस कंडीशन है चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की उसको कौन डिसाइड करेगा उसको केंद्र सरकार डिसाइड करेगी और केंद्र सरकार ने जो सर्विस कंडीशन डिसाइड कर ली और उस पर एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को या इंफॉमेशन कमिश्नर को अपॉइंट कर दिया अपॉइंटमेंट के बाद उसकी कंडीशन को उसके डिसएडवांटेज पर आप वेरी नहीं कर सकते कहने का मतलब है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जब काम करेगा उसके ऊपर सरकार का अंडू प्रेशर नहीं आ सकता उसकी ऑटोनॉमी को सरकार हटा नहीं सकती फिर बात करते हैं भाई भाई पावर्स एंड फंक्शंस फंक्शंस की तो एक एक करके इसकी पावर और देखते हैं पहला क्या है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द कमीशन टू रिसीव एंड इंक्वायर अ अंप्लेन फ्रॉम एनी पर्सन तो भैया कोई कंप्लेन आ रही है तो उसको रिसीव करना उसको इंक्वायर करना कौन से केसेस में एक पहला केस Who has not been able to submit an information request because of non-appointment of public information officer? देखिए हर डिपार्टमेंट में एक P I O अपॉइंट किया जाता है। चाहे आप किसी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लीजिए तो मान लीजिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में इरिगेशन डिपार्टमेंट है। अभी इरिगेशन डिपार्टमेंट में किसी एक पर्टिकुलर मान लीजिए कि आप एसडीएम की पोस्ट से इरिगेशन डिपार्टमेंट में डिप्यूटेशन पे तो हो सकता है आपको पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर बना दिया जाए तो ऐसे केसेस में जो भी आर पास आएंगे आपके डिपार्टमेंट की वो सीधे सीधे आपके पास आएंगे फॉरवर्ड करोगे वो सेक्शन आपको जवाब देगा और फिर आप उस जवाब को फॉरवर्ड कर दोगे उस कंसर्न पर्सन को जिसने आरटीआई डाली थी तो ये पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की पोस्ट क्या करती है ये एक ऐसी पोस्ट है जहां पे सारी आरटीआई पहुंचेंगी और इस पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इन किस का जवाब टाइम बाउंड वे में जाए तो कल की डेट में आप IAS, IPS, कुछ भी बनाए जाते हो अपने पूरे में आप कभी ना कभी किसी ना किसी डिपार्टमेंट में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर बनोगे ही बनोगे आरटीआईस आपके पास आएंगे ही आएंगे आप अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स के पास भेजोगे वो सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स कंपाइल करेंगे उसका रिप्लाई आपके पास भेजेंगे और आप फिर जहां पर भी उसको आगे फॉरवर्ड करना है फॉरवर्ड कर दोगे तो भाई मान लीजिए कि किसी डिपार्टमेंट में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को अपॉइंट ही नहीं किया गया अभी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को अपॉइंट ही नहीं किया गया है, तो वो आरटीआई जाएगी कहां तो अगर ऐसे केसेस में कि जहां पे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को अपॉइंट नहीं किया गया और एक पर्सन इसकी वजह से इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहा है और ऐसी कोई कंप्लेन आती है तो उस कंप्लेन को रिजॉल्व करना किसका काम है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का काम है फिर ऐसे केसेस जहां पर इंफॉर्मेशन मांगी गई वो पब्लिक डोमेन में भी थी ठीक है वो कॉन्फिडेंशियल नहीं थी और वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई तो ऐसे केसेस में भी मैटर्स को रिजॉल्व करना सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन का काम है ठीक है भाई या फिर रिस्पॉन्स आपने मांगा आपको रिस्पॉन्स मिला बट आपको रिस्पॉन्स स्पेसिफाइड टाइम लिमिट्स में नहीं मिला नॉर्मल कर आर को जवाब देने का जो टाइम लिमिट होती है वो एक महीने की होती है तो एक महीने में अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला और उसके चलते कुछ बड़ी चीज झोल हो गया या कुछ प्रॉब्लम आ गई तो ऐसे केसेस में भी आप सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के सामने कंप्लेन कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन आप वैसे तो आरटीआई का जो कॉस्ट है वो दस रुपया है लेकिन जब भी आप कोई आर लीजिए आप कोई गवर्नमेंटल रिकॉर्ड मांग रहे हो तो अभी गवर्नमेंटल रिकॉर्ड रिकॉर्ड है और उस गवर्नमेंट में मान अट्ठारह सो पन्ने अभी हर पन्ने का फोटो कॉपी एक रुपए का तो अठारह सो रुपए आपको देने पड़ेंगे अगर आपको रिकॉर्ड चाहिए तो इस रिकॉर्ड के पैसे भाई सरकार नहीं देगी ठीक है ना अगर रिकॉर्ड आपको निकलवाने हैं सरकारी डिपार्टमेंट में तो पैसे आपको ही देने पड़ेंगे आरटीआई के अंदर तो भाई आरटीआई का जवाब देने के लिए अगर आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं फीस चार्ज की जा रही है और अगर आपको लगता है कि जो फीस चार्ज आपसे की जा रही है वो अनरीजनेबल है तो उस मैटर को भी आप सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के सामने लेके आ सकते हो और अगर आपको लगता है कि आपने जो इंफॉर्मेशन मांगी वो इंफॉर्मेशन आपको मिली बट जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है वो प्रॉपर नहीं है वो इनकंप्लीट है तो ऐसे केसेस में भी आप सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास जा सकते हैं ठीक है भाई ये बात हो गई फिर दूसरा क्या बोला जा रहा है द कमीशन कैन ऑर्डर इंक्वायरी इन टू एनी मैटर इफ देर आर रीजनेबल ग्राउंड पावर कहने का मतलब यह है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास मान लीजिए कंप्लेन गई नहीं कोई पटीशन गई नहीं और उसके बाद भी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को यह लगता है कि भाई कुछ जगहों पे सही तरीके से आरटीआई एक्ट के प्रोविजंस का पालन नहीं किया जा रहा है तो ऐसे केसेस में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन खुद ही उस केस का सो मोटो नोटिस लेके वहां पे इंक्वायरी कर सकता है

उसका बयान ले सकता है उसको शपथ दिला के कि मैं गीता की कसम खा के 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 कहता हूं कि जो कहूंगा कहूंगा सच के सच के सिवा कुछ नहीं करूंगा पिक्चर में देखा है। उस तरीके की ओथ खिला आपको आपसे आपका अटेंडेंस आपका बयान ले सकता है किसी रिटर्न डॉक्यूमेंट जो कि आप वहां पे सबमिट कर रहे हो उस पर आपके सिग्नेचर ले सकता है ये दिखाने के लिए आगे कि आपने खुद इसके ऊपर अपनी हामी भरी थी तो रिटर्न स्टेटमेंट ओरल स्टेटमेंट सब कुछ ले सकता है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन फिर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन को अगर कोई डॉक्यूमेंट देखना है चाहे वो गवर्नमेंटल डॉक्यूमेंट हो तो भी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन अपने पास मंगा सकता है वो डॉक्यूट वो डॉक्यूमेंट किसी सरकारी ऑफिस का हो सकता है वो डॉक्यूमेंट किसी कोर्ट का हो सकता है वो डॉक्यूमेंट किसी प्राइवेट ऑफिस का हो सकता है अगर वो प्राइवेट ऑफिस का डिपार्ट डॉक्यूमेंट पब्लिक पर्पस के पर्सपेक्टिव से रेलिवेंट है तो तो किसी सरकारी ऑफिस के डॉक्यूमेंट को भी मंगा सकता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन अगर वो डॉक्यूमेंट पब्लिक इंटरेस्ट के साथ डील करता है तो ठीक है भाई विटेस को डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करने के लिए समन्स इश्यू करना ये सब चीजें आपका कर सकता है कौन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ठीक है भाई तो भाई किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के अंदर कोई भी रिकॉर्ड है अब यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कुछ एक्सेप्शन अभी रॉ रिसर्च एनालिसिस विंग ऑफ इंडिया नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनका रिकॉर्ड नहीं मांग सकता सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन लेकिन पब्लिक रिकॉर्ड्स तो मांग ही सकता है ना भाई तो कस्टम्स में कोई नोटिफिकेशन निकाला गया इनकम टैक्स ने कुछ नए टैक्स लॉस निकाले तो उनके रिकॉर्ड्स तो मंगवा ही सकते हैं ना भाई सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है भाई ये चीजें हो गई इसके बाद द कमीशन एज द पावर टू सिक्योर कॉम्प्लियंस ऑफ इट्स डिसीजन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी मतलब किसी पब्लिक अथॉरिटी के सामने अगर किसी इंफॉर्मेशन की डिमांड की गई है और अगर वो पब्लिक अथॉरिटी अपना काम नहीं कर रही है तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन सीधे सीधे उसको इंस्ट्रक्शन इशू करेगा कि आप इन्फॉर्मेशन दीजिए इस इंफॉर्मेशन को इस पर्टिकुलर फॉर्म में दीजिए आप के यहां अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर नहीं है तो उसको तुरंत अपॉइंट करिए कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन को इस फॉर्मेट में आप समय समय पे यहां पे छापिए ताकि उसके लिए अननेसेसरी आरटीआई ना आती रहे जो इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है पब्लिक पर्पजेस के लिए उसको आप अपनी वेबसाइट पे नोटिस बोर्ड पे पब्लिश कर दीजिए ताकि ऑटोमेटिकली लोगों को मिल जाए तो लोग बेफिजूल में आरटीआई करते ना फिरें फिर ऑफिशर्स को सही समय पे ट्रेनिंग देना कि कैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन के प्रोविजन को पूरा किया जाए रिकॉर्ड्स का प्रॉपर मैनेजमेंट करना मैंटेनेंस करना ताकि समय समय पर अगर रिकॉर्ड की जरूरत पड़े तो उसको मंगवाया जा सके इस चीज़ को डिसाइड करना कि रिकॉर्ड्स कितने समय तक आपको रखने हैं कितने समय बाद आप रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हो ठीक है भाई फिर पब्लिक अथॉरिटी से एक रिपोर्ट भी मांग सकता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कस्टम्स डिपार्टमेंट से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ठीक है आपका जो ये जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज है जो भी काम कर रही है वो काम करते वक्त आरटीआई के प्रोविजंस को कितना फॉलो कर रही है इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट मांग सकता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन उससे ठीक है भाई

और अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी पूरी तरीके से आर एक्ट का पालन नहीं कर पा रहा है तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन समय समय पर ऐसे रिकमेंडेशन भी देगा ताकि आरटीआई का एक्ट का पालन पूरी तरीके से हो तो ये था पूरा सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में जानकारी सिमिलर जानकारी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में भी होंगी लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगा थैंक यू फॉर वॉचिंग है